एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी क्रिएटिविटी में। आज मैं आपके साथ कुछ गार्डन की बातें शेयर करने वाली हूँ और पांच ऐसे खाद आपको बताने वाली हूँ जो आप अपने घर से ही अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ ना निकलें। और इस समय में हमें अपने घर में रहकर कुछ क्रिएटिविटीज़ करते रहना चाहिए ताकि हमारे माइंड की जो शार्पनेस है वो बनी रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी लॉकडाउन है, हम तो बोर होते हैं घर में, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसे में मैं तो यही कहती हूँ कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटीज़ आपको करते रहना चाहिए और उसके लिए गार्डनिंग बेस्ट है। तो आप बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं, गार्डनिंग भी आप कर सकते हैं। और गार्डनिंग तो मेरे हिसाब से सभी को करनी चाहिए, चाहे कुछ प्लांट्स ही आप लगाएं घर में, बालकनी में लगाएं, छत पर लगाएं, या फिर अगर आपके यहाँ पे जगह कम है तो आप हैंगिंग बास्केट्स का यूज़ कर सकते हैं, उनमें भी प्लांट्स लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। क्योंकि हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही है जिसके कारण हमारी सांसें चल रही है। सोचिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधे के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए और ज़रूर अपने घर में पौधे लगाना चाहिए। उससे हमारे घर का जो वातावरण होता है वो भी शुद्ध होता है। गार्डनिंग के विषय में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि अरे, इसमें तो काफ़ी पैसे खर्च करने होते हैं, महंगे महंगे प्लांट्स मिलते हैं नर्सरी में, या हमें तो समय ही नहीं मिलता है, ये तो जो फ्री रहते हैं उन लोगों का काम है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही कम बजट में भी अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं और बहुत कम समय में भी कर सकते हैं आप। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं, बहुत हार्डी होते हैं, जिन्हें आप एक बार लगा दीजिए, उसके बाद उन्हें पानी देते रहिए, महीने में एक बार खाद दे दीजिए और वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। इसलिए आपको प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए। और बहुत अच्छी खुशी मिलती है जब हम कोई बीज लगाते हैं या फिर कोई पौधा लगाते हैं, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और यदि हम खुश होंगे तभी हम अपने परिवार को खुश रख सकेंगे और अपने आसपास का जो वातावरण है उसे भी खुशनुमा बनाकर रख सकते हैं। और फ्लावर्स तो सबको पसंद होते हैं, चाहे हम किसी गार्डन से गुजर रहे हों और यदि वहाँ पे कोई अच्छा सा फ्लावर खिला हो तो हम ज़रूर उसको रुककर एक बार तो देखते ही हैं कि अरे वाह, कितना सुंदर है। तो इसी तरह यदि हमारे घर में भी रोज़ फ्लावर्स खिलते रहते हैं और जब हम उन्हें देखते हैं सुबह सुबह उठकर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। और ये तो विज्ञान भी मान चुका है कि जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है, डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती है। तो इस हिसाब से और वास्तु के हिसाब से भी होता है कि गार्डनिंग करने से, पौधों की देखभाल करने से, उन्हें पानी देने से हमारे जो ग्रह नक्षत्र है वो भी ठीक होते हैं। बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की और उन्हें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। हेलो एवरीवन, पहले नंबर पर फर्टिलाइज़र आता है दोस्तों, ये बनाना पिल यानी केले के छिलके। जी हाँ, केले तो हम सभी के घर में यूज़ होते हैं और इनके छिलकों को हम अक्सर फेंक दिया करते हैं, लेकिन आप इनके छिलकों को फेंकें नहीं, इन्हें आप धूप में सुखा लीजिए 2 दिन तक और फिर इसे आप 1 लीटर पानी में 2 से 3 केले के छिलके को 1 दिन के लिए डाल के रख दीजिए। उसके बाद आप उस पानी में डबल पानी मिला करके, इक्वल पानी मिला करके अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। अगर आपके कोई भी पौधा है उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, चाहे वो गुड़हल हो, मोगरा हो, चांदनी हो, अगर आप उसमें देते हैं तो इससे उसमें फूल आने लग जाते हैं। इसका एक और तरीका है कि यदि आप पानी में मिक्स ना भी करें तो भी आप इसको ऐसे तोड़ करके, इसके ऐसे देखो बिल्कुल चूरे से हो जाते हैं, इसको तोड़ करके आप डायरेक्ट भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम पानी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही मिक्स होता जाएगा मिट्टी में और हमारे पौधे को पोषक तत्व मिलते रहेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है मूंगफली के छिलके। जी हाँ, मूंगफली के छिलके भी हम सभी के घर में निकलते ही हैं
और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में तो ज़्यादा निकलते हैं। तो इस तरह आप मूँगफली के छिलकों को भी बिल्कुल भी नहीं फेंके, इन्हें आप संभाल करके एक डिब्बे में रख ले। मैंने भी एक डिब्बे में रख रखे हैं इन्हें। तो इन्हें आप या तो डायरेक्ट प्लांट्स में दे दें, ये भी बहुत जल्दी खाद बन जाते हैं, या फिर आप इसे मिक्सर में पीसने के बाद इसका कुछ इस तरीके से आप बना लीजिए पाउडर, और इससे आप अपने प्लांट्स में दे दीजिए। ये भी आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। या फिर आप किसी भी गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप 1 से 2 लेयर मिट्टी की गमले में लगा के और 1 लेयर इसकी बिछा दीजिए, फिर वापस मिट्टी की लेयर बिछा करके अपना कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा ना कि जब हम प्लांट जैसे जैसे बड़ा होगा और हम उसमें पानी देंगे तो इसकी खाद ऑटोमेटिकली ही नीचे बनती रहेगी और हमारे प्लांट्स को मिलती रहेगी। थर्ड नंबर पे बारी आती है राख की, और यदि नीम की राख हो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आप राख कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी हम जब अलाव लगाते हैं सर्दियों के टाइम पर तो राख निकलती ही है और हम उसे भी ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन ये आपकी आपके पौधों में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इससे आपकी पौधे की जो मिट्टी है उसमें कीड़े भी नहीं होते हैं, और ये एक खाद का भी काम करती है। सब्जियों वाले पौधों में तो बहुत ही अच्छी रहती है ये, और वैसे तो सारे ही पौधों के लिए अच्छी रहती है। तो इसे भी आप ना फेंके एक डिब्बे में भर करके रख लें, और जब भी 15 से 20 दिन में एक बार आप छोटे साइज़ के गमले में 1 चम्मच गुड़ाई करके मिट्टी में ये खाद दे सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है चाय की पत्ती का पानी। देखिए ये चाय की पत्ती का पानी है, इसे भी हम हमारे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, और मनी प्लांट में तो सबसे ज़्यादा इसका असर देखा जाता है। मनी प्लांट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इस ग्लास के अंदर मैंने कल रात को ये 1 स्पून भर के और चाय पत्ती डाली थी, और ये एक ग्लास है हमारा नॉर्मल साइज़ का, इसके अंदर पानी भर दिया है। अब आपको डायरेक्ट इसे पौधों में नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई खाद देखी यूट्यूब पे या कहीं भी, और डायरेक्ट बस उसको ले जा करके और सीधे प्लांट्स में डाल देते हैं, और फिर प्लांट्स ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आपको इसको छान लेना है, और छानने के बाद इसमें 5 गुना पानी मिलाना है। जी हाँ, जैसे ये 1 गिलास है तो आपको 5 गिलास और पानी मिलाना है, उसके बाद आप पौधों में दे सकते हैं। इसे आप मनी प्लांट में दे सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं। ये हमारी जो मिट्टी होती है ना प्लांट की, उसको एसिडिक बनाता है, यानी उसके अंदर खटास लाता है, और फिर जब मिट्टी हमारी एसिडिक हो जाती है तो फ्लावरिंग अच्छी होती है, और हमारे जो प्लांट की पत्तियां होती है वो भी चमकदार होती है। फिफ्थ नंबर पर आता है वेजिटेबल पील फर्टिलाइज़र। जी हाँ, यानी कि हमारे जो घर पे जो सब्जियां निकलती है, आलू की, लौकी की, या फिर जो भी हम सब्जियां बनाते हैं घर पर, उसके जो छिलके होते हैं वो हम फेंक देते हैं, तो उन्हें हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। आप सारे छिलकों को पानी में गला दीजिए 1 दिन, और वो पानी फिर आप अपने पौधों में दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, उसमें आपको वही 10 गुना पानी मिला करके और फिर अपने प्लांट्स में देना है। इस जग में कल पानी भरकर रात को, और ये ऐसे छिलके इसमें डाल दिए थे। इसमें आपको दिखाती हूँ, इसमें देखिए ये प्याज का छिलका है और ये लौकी के छिलके हैं। तो इन्हें मैंने गला दिया था पानी में, और वो पानी जो है मैं छान करके और अपने पौधों में दे दूंगी। मैंने ये 5 फर्टिलाइज़र आपको बता दिए हैं, यदि आपको अच्छे लगे हैं तो आप इन्हें ज़रूर यूज़ करें, और एक बार आप यूज़ करके ज़रूर देखें, और फिर उससे क्या इफ़ेक्ट होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद बारी आती है कुछ टिप्स की। तो टिप्स में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप रेगुलर अपने प्लांट्स को चेक करें, यदि उसमें कोई पीली पत्ती आपको नज़र आती है तो वो आप हटा दें। देखिए इस तरीके से आप पत्तियों को हटा दें, जो भी पुरानी पत्तियां हैं, पीली पत्ती है, उन्हें आप प्लांट से हटा दें। उसके बाद 10 से 15 दिन में अपने पौधों की गुड़ाई ज़रूर करें,
क्योंकि कभी कभी चींटियाँ और कुछ छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो हमारे प्लांट्स में, प्लांट की मिट्टी में लग जाते हैं, जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए आप गुड़ाई करते रहें, जिससे हमारी जो प्लांट की जड़ें हैं उन्हें भी हवा मिलती रहती है। देख सकते हैं मैंने इसमें मूंगफली के छिलके जो है वो डाल रखे हैं, बहुत सारे डाले थे लेकिन वो सारे खाद बन गए हैं। अभी एक आधा मुझे दिखा तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। और नेक्स्ट बात आती है कि आप अपने प्लांट्स को जो पानी है वो शाम के वक्त में दें, ताकि अभी गर्मियों का समय है तो गर्मियों में क्या होता है अक्सर पानी सूख जाता है दिन भर में, तो शाम को दें ताकि रात भर हमारे पौधों में पानी रहे और हमारे प्लांट्स जो है वो स्वस्थ रहें। एक और टिप्स ये है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, उन पर कुछ फ्लावर जो है वो पुराने हो जाते हैं, देखिए, तो उन्हें आप हटा दें, है ना, तो जिससे कि क्या होता है ना कि नए फ्लावर को जगह मिलती है ग्रो करने में, वरना फिर वो ऐसे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये सदाबहार का प्लांट है, ये हम सभी लोगों को घर में लगाना चाहिए, ये बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक हार्डी प्लांट्स पर भी वीडियो बना दूंगी, जो कि जितनी भी बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, बिल्कुल भी नहीं मरते हैं। तो ऐसे प्लांट्स से हमें गार्डनिंग की शुरुआत करनी चाहिए। मैं इस वीडियो में बता देती लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और ये मॉस रोज का प्लांट है, जिसको विंका भी कहते हैं और बहुत सारे नाम है इसके। ये भी गर्मियों में काफ़ी फूल देता है, इसकी तो छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है, इतनी छोटी सी कटिंग आप काट के लगा दीजिए तो वो भी लग जाती है। तो यदि आपको कहीं आसपास ये किसी के यहाँ दिखता है तो आप इसकी कटिंग लाकर ज़रूर लगाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। आपको इस अपने चैनल पर अलग अलग तरह की क्रिएटिविटीज़ मिलेगी, जैसे होम डेकोर आइटम्स और वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कुछ बनाना और गार्डनिंग आइडियाज़ और भी बहुत कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।